नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अगले 42 महीनों में बिहार के सभी घरों में लग जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। उपचुनाव की मतगणना को लेकर राजद ने रखी शर्त, दुर्गा पूजा में बारिश नहीं डालेगी खलल। बिहार के करीब 1.25 लाख वार्ड होंगे सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन। दुर्गा पूजा पंडालों में इस बार कोविड जांच से लेकर वैक्सीनेशन की रहेगी व्यवस्था। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। वाहन चेकिंग के दौरान 20 लाख कैश के साथ व्यक्ति की हुई गिरफ्तारी। नालंदा जिले में बीते दिन 20 लाख कैश के साथ एक व्यक्ति धराया है। उक्त व्यक्ति की गिरफ्तारी वाहन चेकिंग करने के दौरान की गई। मिली जानकारी के मुताबिक जिले के बिहार थाना क्षेत्र के अस्पताल चौक पर ट्रैफिक पुलिस वाहन जांच कर रही थी, तभी एक व्यक्ति रुपए से भरे बैग के साथ पकड़ा गया, जिसके बाद उसे थाना के हवाले कर दिया गया। वह इतनी बड़ी रकम छिपा कर ले जाने की खबर मिलते ही आयकर विभाग की टीम भी मुस्तैद हो गई और विभाग के अधिकारी हिरासत में लिए गए व्यक्ति से पूछताछ में जुट गए। दूसरी तरफ इस मामले में सदर डीएसपी का कहना है कि मामले की जांच चल रही है, जांच के बाद ही इस संबंध में कुछ कहा जा सकता है। आपको बताते चले कि इन दिनों अवैध राशि के मामले में बिहार की प्रशासनिक टीम सख्त रवैया के साथ काम कर रही है। भिखारी ठाकुर टीम के सदस्य पद्मश्री रामचंद्र मांझी को मिला सम्मान। भाजपा इन दिनों देश के हरेक कोने के कलाकार, खिलाड़ियों, साहित्यकार, कोरोना वॉरियर्स, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि को सेवा समर्पण कार्यक्रम के तहत सम्मानित करने की मुहिम चला रही है, जिसके तहत बीते दिन पूर्व डिप्टी सीएम व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित रामचंद्र मांझी को सम्मानित किया। रामचंद्र मांझी भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर के टीम के एकमात्र विभूति हैं। उन्हें अंगवस्त्र के साथ 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया। वहीं इस दौरान रामचंद्र मांझी ने भी भिखारी ठाकुर के जीवन काल के बारे में भी कई बातें बताई। अगले 42 महीनों में बिहार के सभी घरों में लग जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार के सभी घरों में अगले 42 महीनों के भीतर पुराने मीटर को हटाकर बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएंगे। यह फैसला बीते दिन नीतीश कैबिनेट में लिया गया है, जिसके तहत मीटर बदलने का काम जल्द से जल्द पूरा करने का आदेश दिया गया है। इस काम को साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के साथ ही पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन और एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिलकर करने वाले हैं। बताते चले कि 2019 से ही बिहार में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू है, जिसमें अब तक 2.8 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। इस पूरे परियोजना की लागत 110 करोड़ रुपए है, जिसका 30% नाबार्ड से लोन लेकर कंपनी काम शुरू करेगी। लोन लेने के लिए कंपनियों को मंत्रिमंडल से स्वीकृति भी मिल गई है। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर पटना में हुआ श्रद्धांजलि कार्यक्रम। समाजवाद के पुरोधा नेता व स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया का आज 54वीं पुण्यतिथि पर राजधानी पटना के लोहिया पार्क में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल फागू चौहान और सीएम नीतीश कुमार ने शिरकत किया। इस दौरान दोनों ने ही लोहिया जी की आदमकद प्रतिमा के आगे पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के साथ ही अन्य कई नेतागण भी कार्यक्रम में शामिल रहे। आपको बताते चले कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को परिवर्तन के मसीहा कहा जाता है। उनका जन्म 23 मार्च 1910 में हुआ था, जबकि 12 अक्टूबर 1967 में उनका निधन हो गया था। आजादी के बाद की राजनीति और चिंतन पर जिन गिने चुने लोगों के व्यक्तित्व को आज भी याद किया जाता है, उनमें जयप्रकाश नारायण के साथ ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम भी प्रमुख रूप से रहा है। दुर्गा पूजा में बारिश नहीं डालेगी खलल। बात अगर बिहार के मौसम की करें तो आने वाले 2-3 दिनों में मौसम सुहावना रहने वाला है, जिससे कि आपको दुर्गा पूजा मेला घूमने में कोई खलल नहीं आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक दशहरा पर इस बार बारिश होने की संभावना बेहद कम है और 15 अक्टूबर तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार और झारखंड से दक्षिण पश्चिम मानसून विदा हो गया है। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों सहित उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों से मानसून की विदाई के भी आसार हैं। इसलिए बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम के सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया है, तो वहीं बीते 24 घंटे के दौरान भी राज्यभर में मौसम सामान्य ही रहा। बिहार में केवल एक जिले से नए कोरोना संक्रमित मरीज की हुई पुष्टि। बिहार में गिने चुने कोरोना मामले पाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन के पिछले 24 घंटे के दौरान 1,08,212 सैंपलों की जांच की गई, जिसके आधार पर बिहार में 2 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इसके तहत केवल बेगूसराय जिले में ही इन 2 संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान एक मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 35 हो गई है। तो वहीं अब रिकवरी दर 98.66% पर पहुंच गया है।
बिहार के करीब 1.25 लाख वार्ड होंगे सोलर स्ट्रीट लाइट से रोशन। राज्य के शहरी क्षेत्रों की तरह गांव के भी हर एक वार्ड के गलियों और सड़कों को रोशन किए जाने के फैसले के बाद अब इस पर तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट योजना के तहत बिहार के करीब 1,14,000 वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाए जाने हैं, जिसे लेकर तैयारियां भी शुरू है। पंचायत चुनाव के बाद इस काम को शुरू किया जाना है। इसके लिए जिला पंचायती राज अधिकारी की तरफ से सर्वे को पूरा कर लिया गया है। साथ ही साथ सरकार ने काम की निगरानी के लिए जिला के साथ ही राज्य स्तर पर नियंत्रण कक्ष बनाने का भी फैसला लिया है, ताकि काम में किसी प्रकार की घपलेबाजी ना हो सके। तो वहीं गड़बड़ियों को लेकर जीपीएस से निगरानी रखी जाएगी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रिश्वत वाले ऑडियो पर दी गई सफाई। एक बार फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी से पहले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा विवाद सामने आया है, जिससे बीसीए की फिर से बदनामी हो रही है। अब की दो ऑडियो क्लिक वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एसोसिएशन पैसे लेकर खिलाड़ियों का चयन करता है। ऑडियो में सुना जा रहा है कि जिला फंड में पैसा नहीं होने के कारण जो पैसा देगा उसी का चयन किया जाएगा। वहीं दूसरे ऑडियो में एक लड़का व्यक्ति से बोल रहा है कि ट्रायल में पता चला कि पैसे के बिना चयन नहीं होगा, तो फिर सामने वाला व्यक्ति इस पर कहता है कि 10-10 पेटी लेकर टीम में चयन हो रहा है, कुछ कम देकर करवा ले, बीसीए अध्यक्ष भी कुछ नहीं रोकेंगे। आपको बता दें कि बिहारी न्यूज इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि बिहार क्रिकेट संघ के कार्यकारी सचिव संजय कुमार सिंह ने इसे साजिश बताते हुए फेक ऑडियो करार दिया है। उन्होंने कहा कि उस लड़के को अगर कोई शिकायत होती तो वह बीसीए को बताता, न कि किसी जान से बात करता। पटना नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 6 संस्थानों को देना होगा कचरा शुल्क। पटना नगर निगम बोर्ड की बैठक में 6 संस्थानों से कचरा शुल्क लेने पर फैसला लिया गया है। इसके तहत अब निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितने भी रेस्टोरेंट, होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, एग्जीबिशन व ट्रेड फेयर, शोरूम, वर्कशॉप व क्लब हैं, उन सभी के निकले जाने पर कचरा पर शुल्क लिया जाएगा। साथ ही इस बैठक में शहर में हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 204 करोड़ खर्च किए जाने पर सहमति बनी। इसके साथ निगम क्षेत्र में आने वाले 87 शौचालयों के संचालन व रख रखाव का काम एजेंसी के माध्यम से कराने का प्रस्ताव पास हुआ। तो वहीं पटना के राजवंशी नगर में ड्रेनेज के निर्माण सहित 15 एजेंडों पर निर्णय लिया गया, जिस पर जल्द काम शुरू होने वाला है। दुर्गा पूजा पंडालों में कोविड जांच से लेकर वैक्सीनेशन की रहेगी व्यवस्था। पटना शहर में लगे दुर्गा पूजा पंडालों में लोगों की हर सुविधाओं के साथ ही उनकी स्वास्थ्य सुविधा का भी ख्याल रखा जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग की तरफ से विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिनमें कोविड जांच से कर टीकाकरण तक की व्यवस्था की जाएगी। इन कैंप में कोई व्यक्ति चाहे तो वैक्सीन लगवा सकते हैं। आपको बताते चले कि कोरोना से सुरक्षा भी जरूरी है, इसलिए पूजा पंडालों को प्रशासन की तरफ से सख्ती के साथ गाइडलाइंस पालन करने का निर्देश दिया गया है। पंडाल पर आयोजक भीड़ नहीं लगा पाएंगे। पंडाल में उपस्थित सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। पूजा पंडालों में आयोजकों द्वारा पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। वहीं पंडाल में डीजे बजाने की अनुमति भी नहीं रहेगी, तो जुलूस में भी डीजे बैन रहेगा। पटना में गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में होगा रावण दहन। राजधानी पटना में हर साल दशहरा भव्यता के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना के कारण प्रशासन ने इस बार सीमित तैयारियों के साथ पूजा कमेटी को कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत दी है। इसके तहत दशहरा कमेटी ने भी रावण दहन की जगह को बदल दिया है और गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में दशहरा का आयोजन करने का फैसला किया है। यहां पर छोटे स्थल में कार्यक्रम होगा, जिसमें सीमित लोग ही रामलीला देख पाएंगे। हालांकि इस बार रामलीला और रावण वध को ऑनलाइन भी प्रसारित किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि 90 फीट तक ऊंचा रहने वाला रावण का पुतला इस बार 15 फीट का ही होगा। तो वहीं कुंभकर्ण के पुतले का आकार 13 फीट होगा, जबकि मेघनाथ के पुतले का आकार 12 फीट ही होगा। उपचुनाव की मतगणना को लेकर राजद ने रखी शर्त। बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसके लिए पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार को लेकर तैयारियां भी जारी है। तो दूसरी तरफ इन दोनों ही सीटों को जीतने के लिए आरजेडी की तरफ से सभी एहतियात भी बरते जा रहे हैं, जिसके तहत राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर अपनी पार्टी की तरफ से 2 मांगे रख दी है। उन्होंने कहा कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर हो रहे उपचुनाव की मतगणना में उनकी मांगों का ध्यान रखा जाए। इसके तहत उन्होंने सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती कराने की मांग की है, उसके बाद ही ईवीएम और बैलेट पेपर की गिनती करने की मांग रखी है।
राष्ट्रपति से मिलकर उद्योग मंत्री ने उद्योग क्षेत्र की दी जानकारी। बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बीते दिन महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात करके उन्हें बिहार के उद्योग क्षेत्र में हो रही प्रगति की पूरी जानकारी दी। इस दौरान मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें बिहार में उद्योगों में तेजी से विकास के लिए आशीर्वाद मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के राष्ट्रपति से पहले वे बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, इसलिए बिहार के प्रति उनका स्नेह भी पहले जैसा ही मजबूत है। इस मुलाकात के दौरान मंत्री ने एक सुंदर सी पेंटिंग भी उपहार स्वरूप भेजी। आपको बता चले कि बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार कई प्रयास कर रही है, जिसमें इथेनॉल उद्योग, टेक्सटाइल हब आदि पर जोर शोर से काम चल रहा है। तेजस्वी की गैर मौजूदगी में राबड़ी देवी से मिलने गए तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव अपने ही अर्जुन यानी कि छोटे भाई तेजस्वी यादव से बचते नजर आ रहे हैं। दरअसल सोमवार की शाम तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। उन्होंने यह मुलाकात तब की जब तेजस्वी यादव घर से बाहर सीवान जिले में दिवंगत सांसद शहाबुद्दीन के बेटे के निकाह में शामिल होने के लिए गए थे। लगभग 20 मिनट तक तेज प्रताप यादव ने अपनी मां से मुलाकात की, जिसके बाद से ही कई तरह की चर्चा राजद परिवार को लेकर फिर से उठने लगी, क्योंकि सोमवार की सुबह ही जब तेज प्रताप यादव ने गांधी मैदान से जेपी आवास तक लालू आंदोलन की शुरुआत की थी, तब रास्ते में वे अपनी मां के आवास के पास से भी गुजरे थे, लेकिन उन्होंने तब रुककर कोई मुलाकात या फिर आशीर्वाद अपनी मां से नहीं लिया था। आरसीबी को हराकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने क्वालिफायर 2 में बनाई अपनी जगह। कोलकाता नाइट राइडर्स ने एलिमिनेटर मैच में बीती रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 4 विकेट से हराकर क्वालिफायर 2 में जगह बना ली है, जबकि हार के साथ ही आरसीबी का सफर टूर्नामेंट में यहीं पर समाप्त हो गया है। मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी ने 7 विकेट खोकर 138 रनों का स्कोर बनाया और 139 रनों के टारगेट को केकेआर ने आखिरी ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। आपको बताते चले कि कोहली के कप्तान रहते ही आरसीबी ने एक भी सीजन को नहीं जीता है। फेज 2 के शुरू होने से पहले ही विराट कोहली ने अपने बयान में कहा था कि आरसीबी के कप्तान के रूप में यह उनका आखिरी आईपीएल होगा, मगर केकेआर के खिलाफ मिली हार के साथ ही आरसीबी के लिए कैप्टन कोहली की कप्तानी का सफर भी यही समाप्त हो गया। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके जिले में दुर्गा पूजा मेला का आयोजन कब से शुरू होगा। आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।